अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट टू का लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 20। आज हम दो लेक्चर्स करेंगे और दोनों लेक्चर देखो से रिलेटेड हैं, इसलिए हम इनको टोटल कम्बाइनली पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रिस्क देखे थे कि सॉफ्टवेयर को हमें कुछ रिस्क भी होते हैं। अब हम उनकी टाइप्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के रिस्क हमें एक सॉफ्टवेयर बनाने में होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, आपको तीन मेन रिस्क यहाँ पर दिए हुए, प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क और बिजनेस रिस्क। तो ये MCQs के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs बन के आते हैं। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं कि रिस्क की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो आपने याद रखना है कि प्रोजेक्ट रिस्क है, टेक्निकल रिस्क है और बिजनेस रिस्क है। अब प्रोजेक्ट रिस्क के अंदर कौन कौन सी बातें आ जाती हैं, यानी कि आपके शेड्यूल में जो रिस्क आ जाते हैं, यानी कि आपके शेड्यूल पर इफेक्ट करेगा, आपकी जो कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की उस पर इफेक्ट करेगा। अगर तो ये रिस्क आ जाता है तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको उस रिस्क को ठीक भी करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका बजट अपसाइड डाउन हो जाएगा, आपका शेड्यूल ख़राब हो जाएगा, पर्सनल्स मतलब कि जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उन पे भी काफ़ी बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि उनको रिस्क सेट करना पड़ेगा। आपके जो रिसोर्सेज हैं उस पे इफेक्ट होगा, कस्टमर पे इफेक्ट होगा और रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम पे इफेक्ट होगा। तो ये MCQ कुछ इस तरह से आते हैं कि आपने बताना होता है कि प्रोजेक्ट रिस्क कौन सा है इसमें से, और नीचे आपको चार ने दी होंगी ऑप्शन, जिसमें से आपने बताना होगा कि प्रोजेक्ट रिस्क कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट रिस्क में हमारे पास बजट, कॉस्ट, रिसोर्स और कस्टमर, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद टेक्निकल रिस्क के अंदर हमारे पास क्वालिटी, उसकी उसमें भी कॉस्ट आती है, ठीक है। जैसे अब इम्प्लीमेंटेशन करना प्रोजेक्ट की बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी अगर हमारे पास टेक्निकल कोई रिस्क अगर हो जाता है उसमें, जैसे कि डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इंटरफेस ठीक नहीं है, इसके अलावा वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई और फिर कोई मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है, तो वो सारे रिस्क हमारे पास टेक्निकल रिस्क में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के MCQs पेपर में बहुत रिपीट होते हैं, जिसमें लिखा होता है डिफरेंट तरह के रिस्क दिए होंगे आपको, जैसे कि टेक्निकल रिस्क में आपको नीचे चार एग्जांपल्स में दिया होगा कि वेरिफिकेशन, इंटरफेस, इंप्लीमेंटेशन और डिज़ाइन, ये कौन से रिस्क हैं, चारों आपको एक साथ दिए हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चारों टेक्निकल रिस्क हैं। उसके बाद बिजनेस रिस्क में मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है कि अब आप अपने जो है सॉफ्टवेयर को रिस्क के साथ आप सेल आउट नहीं कर सकते, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको कैसे हमें बेचना है, आपके बजट में बहुत प्रॉब्लम आती है, आपका बजट जो है वो अपसे डाउन हो जाता है। तो उस वजह से ये सारे रिस्क हमारे पास बिजनेस के रिस्क हैं, जिसमें से मार्केटिंग आ जाती है, उसको कैसे अब हमने सेल करना है अपने सॉफ्टवेयर को, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे बिजनेस रिस्क में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप उनने तीन मेन कैटेगरीज के बाद यहाँ पर आपको प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल रिस्क बताए हैं। इनकी डेफिनेशन आती है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कि प्रेडिक्टेबल रिस्क और अनप्रेडिक्टेबल रिस्क कौन से होते हैं, तो इनको देख लेते हैं। यहाँ पे आप दो लाइनें ही लिखी हुई हैं। तो प्रेडिक्टेबल रिस्क वो होते हैं जो हम जिनको हम है वो केयरफुल एवोल्यूशन के ज़रिए से हम उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे रिस्क जिनको हम पहचान सकते हैं, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमारे पास प्रेडिक्टेबल रिस्क होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल रिस्क वो होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलता कि वो कौन सा रिस्क है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इशू क्रिएट करते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम वही रिस्क क्रिएट करते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उसके बाद रिस्क को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी MCQs आता है कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्क को आइडेंटिफाई करे, तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो है हमारे पास प्रेडिक्टेबल रिस्क होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद उन्होंने जो है हमारे पास प्रेडिक्टेबल रिस्क को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जेनेरिक रिस्क और प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क। जेनेरिक रिस्क जनरल से निकला है, इनकी जनरल रिस्क जो हर प्रोजेक्ट को हो सकते हैं, ठीक है, जनरल थ्रेड्स और जनरल रिस्क जो हर प्रोजेक्ट को हो सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही होते हैं, ठीक है। और एक यूज़फुल टेक्निक जो है रिस्क को फाइंड आउट करने की, इन्हें चेक लिस्ट यहाँ पर आपको दी हुई है कि कौन सी टेक्निक है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी MCQs आता है, वो चेक लिस्ट है। उसके बाद चेक लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपको गिवन है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और MCQs में पूछते हैं कि चेक लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। चेक लिस्ट के अंदर हमारे पास हमारे प्रोडक्ट का साइज़, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, छोटा है, कितना बड़ा है, उसके बाद उसका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट है, हमारे जो कस्टमर हैं वो किस तरह के कस्टमर हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट तरह के कस्टमर्स होते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस डेफिनेशन है, यानी कि हमने जो प्रोसेस है जिसको सॉफ्टवेयर हम जिस तरीके से बना रहे हैं, वो सारी चेक लिस्ट के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि किस इन्वायरमेंट में आपने उसको डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की है, स्टाफ कितना था, उनको क्या एक्सपीरियंस था ये चीज़ें बनाने में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास चेक लिस्ट में आती हैं। और चेक लिस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि उसके अंदर कौन कौन से रिस्क हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ने कुछ रिस्क के कंपोनेंट दिए हुए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, आपको MCQs क्विज़ेस में भी ये पूछे जाते हैं।
परफॉर्मेंस रिस्क क्या होता है, जिसमें होता है कि डिग्री ऑफ अनसर्टेंटी दैट अ प्रोजेक्ट विल मीट इट्स रिक्वायरमेंट। अब इस रिक्वायरमेंट पर प्रॉब्लम आ जाती है कि इनके आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी सॉफ्टवेयर की आप वो पूरी ही नहीं कर पाए, रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर हो ही नहीं पाई। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि आपको एक कस्टमर स्टार्टिंग में आपके प्रोजेक्ट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट देता है कि मेरी ये कुछ रिक्वायरमेंट है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मेरे जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। परफॉर्मेंस रिस्क क्या करती है कि उसमें रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती तो उसकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होता है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं की। उसके बाद कॉस्ट रिस्क है, कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट बजट पे इफेक्ट करते हैं, यानी कि आपका जो बजट है वो मेंटेनेबल नहीं है, अब आपके बजट पे प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसको हम कहते हैं कि वो कॉस्ट रिस्क है। सपोर्ट रिस्क हमारे पास कौन से हैं कि अब आपका जो प्रोजेक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है, जो बन चुका है वो इजीली आप इजीली उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, उसको अडेप्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास सपोर्ट रिस्क है। उसके बाद हमारे पास शेड्यूल रिस्क है, यानी कि प्रोजेक्ट जो शेड्यूल है उसको कैसे मेंटेन करना है। उसके बाद उन्होंने रिस्क को जो है वो कुछ इम्पैक्ट्स बताए हैं आपको यहाँ पर, जैसे नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल मतलब कि बहुत ही माइनर सा, बहुत ही थोड़ा सा रिस्क का जो है वो इफेक्ट भी होता है आपके प्रोजेक्ट पर। उसके बाद मार्जिनल, वो होता है कि जो थोड़ा सा माइनर सा होता है, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नॉन इंपॉर्टेंट आप इसको समझ लें। अब क्रिटिकल रिस्क वो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है कैटास्ट्रोफिक, जो हमारे पास रिस्क होते हैं, कैटास्ट्रोफिक रिस्क जो होते हैं वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल उससे सफ़र करते हैं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा लोगों को उसमें इफेक्ट होता है, यानी कि ये सीरियस रिस्क है, इनको हमें ज़रूर आइडेंटिफाई करना है और इनको ख़त्म भी करना है। उसके बाद आपको ये जो इन टेबल बनाया हुआ है उसमें सारे रिस्क बार बार बताए हुए। कैटास्ट्रोफिक रिस्क मैंने क्या बताया आपको कि उसमें आप रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाते, आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाती तो आपका मिशन फेल हो जाता है, यानी कि अब आपका प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा, परफॉर्मेंस और सपोर्ट दोनों इसमें फेल हो जाते हैं। उसके बाद कॉस्ट क्या होगी, आप कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि रिस्क के चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं और शेड्यूल में भी बहुत ज़्यादा डिले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू दी हुई है कि $500K जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्रिटिकल रिस्क जो थोड़े से माइनर से होते हैं, उसके बाद मार्जिनल रिस्क हैं जिनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं होते, और नेग्लिजिबल तो बिल्कुल भी नहीं होते, इनके बहुत ही माइनर रिस्क होते हैं। तो ऐसे एज इट इज़ टेबल तो आपको नहीं आता, ये वाला MCQ आता है पेपर में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कैटास्ट्रोफिक रिस्क के बारे में, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है रिस्क प्रोजेक्शन। अब रिस्क प्रोजेक्शन क्या है कि हमने रिस्क को जो है वो एस्टिमेट भी करना है। उसको एस्टिमेट करने के लिए इन्होंने चार एक्टिविटीज़ बताई हैं आपको। सबसे पहले तो आप एक स्केल डेवलप करें जिसमें आप जो है वो अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से हमारे पास रिस्क हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डेलिनेट दी कॉन्सिक्वेंस, यानी कि उसके जो नतीजे आने वाले हैं, जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो रिजल्ट क्या होंगी, ये रिस्क आ चुका है, रिस्क के बाद क्या हमारे प्रोजेक्ट पर इफेक्ट होगा। उसके बाद एस्टिमेट द इम्पैक्ट, अब हमने इम्पैक्ट देखना है कि उस रिस्क का क्या इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट पर हुआ है, और उसके बाद हमने ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ रिस्क प्रोजेक्शन की ओवरऑल एक्यूरेसी चेक करनी है। तो ये चार एक्टिविटीज़ हैं, ये भी आपको शॉर्ट में आ सकता है। उसके बाद ये टेबल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर उन्होंने आपको RMM की जो है वो बताया हुआ कि स्टैंड फॉर रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान, ये MCQs एज इट इज़ पेपर में आता है, तो आपने इसको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है, ये भी हमारे पास इससे रिस्क जो है प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है, इसको देख लेते हैं। असेसमेंट ऑफ अ रिस्क इम्पैक्ट इज नॉन ट्रिवियल प्रोसेस, ये नॉन ट्रिवियल प्रोसेस है, ये भी MCQs आता है एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो जैसा कि मैंने आपको मिड टर्म की प्रिपरेशन के दौरान भी बताया था कि जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपसे MCQs भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आराम से बन सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास रिस्क एक्सपोजर दिया हुआ है, RE रिस्क एक्सपोजर, इसको फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस्ट से, टोटल मार्च बार जो कॉस्ट आती है। यहाँ पर नेचर ने एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर रिस्क प्रोबेबिलिटी की रिस्क जो हमारे पास रिस्क प्रोबेबिलिटी है वो बताइए कि 0.8 है, यानी कि 80% दिया हुआ तो उसका 0.8 निकलता है, 0.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कॉस्ट के साथ, टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पर गिवन है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से जो है इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सिंपल आपको वैल्यूज़ दी होंगी, आपने दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और आपने रिस्क एक्सपोजर को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर है कि जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं डेवलप बाय थर्ड पार्टी विद नो नॉलेज, ऐसे थर्ड पार्टी भी बीच में आ जाते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होता, वो लोग जो बीच में थर्ड पार्टी जो है होते हैं वो भी रिस्क की वजह बनते हैं, तो ये भी MCQ उस पेपर में काफ़ी रिपीट होता है, इसको भी आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास RMM के बारे में इन्होंने बताया यहाँ पर, जिसके हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वो स्टैंड फॉर मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि ये असिस्ट प्लान प्रोजेक्ट टीम इन डेवलपिंग द स्ट्रेटजी टू डीलिंग द रिस्क, रिस्क डील करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उसके अंदर RMM इस्तेमाल होता है, यानी कि रिस्क को अपने अवॉइड करना है, इसके अंदर रिस्क को मॉनिटर करना है और रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है। ये हमारे पास तीन तरह की चीज़ें हैं, ठीक है।
रिस्क को अवॉइड करना सबसे बेहतर है। यहाँ पर आपको इन सर ने लिखा हुआ है कि आई मस्ट ऑलवेज बी रिमेंबर दैट अवॉइडेंस इज ऑलवेज द बेस्ट स्ट्रेटजी। रिस्क को अवॉइड करना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, लेकिन हम रिस्क को मॉनिटर भी करते हैं और फिर रिस्क को मैनेज भी करते हैं। तो ये तीन तरह की चीज़ें हमारे पास कंसिडर होती हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इनने कुछ आपको एग्जांपल्स दी हुई है कि रिस्क मिटिगेशन क्या होता है। ये हमारे पास फोकस करता है इस चीज़ पे कि हमने एक पर्टिकुलर रिस्क जो है उसको मिनिमाइज़ करना है, उसको कम से कम करना है, उसको कम से कम करके ख़त्म करना है। तो रिस्क को ख़त्म करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हम जो है वो करंट स्टाफ से मीट करें, आप उनसे मिलें, देखें कि कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, पुअर वर्किंग कंडीशन है या फिर पे लो है या कंपिटेटिव जॉब मार्केटिंग है, इनकी दूसरे जो मार्केट में और जॉब्स दे रहे हैं लोग, ज़्यादा अगर पैसे दे रहे हैं उनको, ज़्यादा उनको एडवांटेज दे रहे हैं, तो लोग आपकी कंपनी छोड़कर उनकी कंपनी में चले जाएंगे। तो टर्न डाउन का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाना। तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो है आप अपने करंट स्टाफ से आप मिल सकते हैं। उसके बाद मिटिगेशन दोज कॉजेज दैट आर अंडर कंट्रोल बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट, यानी कि आपके कंट्रोल में जो जो चीज़ें थी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको कम करना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद प्रोजेक्ट की एक टीम डेवलप करना जिसको तमाम इन्फॉर्मेशन हो उस एक्टिविटी के बारे में कि प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का एक स्टैंडर्ड आप जो है वो रखें कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कंडक्ट पीयर रिव्यू ऑफ ऑल वर्क, पीयर मतलब जो लोग साथ काम करें उनका रिव्यू भी आपको चेक करना चाहिए कि उनका कैसा रिव्यू है काम करने के बारे में। इसके अलावा बैकअप स्टाफ मेंबर्स को भी आपने क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर आपके पास एक बैकअप स्टाफ मेंबर्स का भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इन चीज़ें देनी है, आप तीन चार चीज़ें याद रखें। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से पूछ सकते हैं कि आप जो है वो मिटिगेशन स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है रिड्यूस करने के लिए टर्नओवर को, तो ये आपने याद रखना है कि किस तरह से इसकी हेल्प करती है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिस्क मॉनिटर करने के कुछ पॉइंट्स दिए हुए, तो रिस्क मॉनिटर करने के कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखें, ये हमारे पास तीन पॉइंट्स थे ना, मिटिगेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं आपने याद रखने। उसके बाद मॉनिटरिंग के चार पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं क्या हैं कि जनरल एटीट्यूड, टीम मेंबर्स का जनरल एटीट्यूड क्या है प्रोजेक्ट के बारे में, वो कितने सीरियस हैं, क्या उनको प्रोजेक्ट के बारे में वो नॉन सीरियस उनका बिहेवियर है, किस तरह का बिहेवियर है वो आपने चेक करना है। कौन से टीम मेंबर्स हैं जो किसी और किस्म की जेल या कुछ ऐसा हो चुका है उनके साथ, वो सब चीज़ें भी आपने देखनी है। उसके बाद जो टीम मेंबर्स हैं उनका आपस में किस तरह का ताल्लुक है, यानी कि उनका आपस में बनती है या नहीं बनती, वो सब भी आपने चेक करनी है। उसके बाद जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो बेनिफिट्स हैं, कंपनसेशन हैं, जो एडवांटेज और रिवॉर्ड्स आपकी टीम मेंबर्स को दिए जाते हैं उनके दरमियान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब विद इन द कंपनी एंड आउटसाइड इट, कि आपकी कंपनी के अंदर कौन कौन से जॉब अवेलेबल हैं और कंपनी के बाहर कौन कौन से जॉब अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें आप रिस्क मॉनिटर करते हुए देखते हैं, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ती हैं एक पर्टिकुलर रिस्क के लिए, तो वो कौन कौन सी चीज़ें वो यहाँ पर आपको मेंशन है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएम मतलब आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसने मॉनिटर करना है डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली ताकि वो चेक कर सके कि कौन कौन से रिस्क हैं। तो यहाँ पर इनने कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, आपने याद रखने हैं, ये भी आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको कैसे करेंगे, अब रिस्क को मैनेज कैसे करना है हमने, तो रिस्क हैज़ बिकम अ रियलिटी, जब रिस्क जो है वो रियल में अकर हो चुके होते हैं तब क्या करना है आपके, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को हमने फॉलो करना होता है, बैकअप आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जितनी भी है उसको डॉक्यूमेंट में लिख देना चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो नॉलेज है वो डिस्पर्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास मैनेजमेंट में आती हैं, यानी कि रिस्क अकर हो चुका है, अब आपने रिस्क को मैनेज किस तरह से करना है, तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है। और यहाँ पर उन्हें रिस्क मिटिगेशन एक कॉस्टली बिजनेस है, क्योंकि आप उसको जो है मैनेज करना ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हो जाती हैं। यहाँ पर उन्हें पैरेटो प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, 80-20 रूल, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आता है कि पैरेटो प्रिंसिपल क्या था, वो 80-20 रूल था जिसमें ये मेंशन था कि 20% रिस्क ऐसे होते हैं जो आइडेंटिफाई होते हैं, यानी कि जो हमें पता होते हैं कि ये हैं और ये होने वाले हैं, तो जो होने वाले होते हैं उनके बारे में हम कुछ ना कुछ जो है वो अपनी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन 80% रिस्क ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते और वो ही प्रोजेक्ट के फेलियर का बायस बनते हैं। तो ये एक पैरेटो प्रिंसिपल था जिसने 80-20 का रूल भी से कहा जाता है कि 20% रिस्क ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, यानी कि जो ऑलरेडी पता हैं, और 80% रिस्क ऐसे हैं जो कि प्रोजेक्ट फेलियर होने की वजह बनते हैं और वो पता भी नहीं होते, ठीक है, अननोन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 20 कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 19 और 20 के अंदर हमने रिस्क के बारे में बात की है और ये दोनों लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब ये मिड टर्म में इंक्लूड होते थे तो उसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन में एमसीक्यूज आते थे, और अब फाइनल टर्म भी यहाँ से है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ये आपने सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली, वो आपने सारी याद रखनी है। एक दफ़ा दोबारा से हम रिव्यू कर लेते हैं, हमने पैरेटो प्रिंसिपल को पढ़ा यहाँ पे, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिस्क को मॉनिटर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को आपने कौन कौन से फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होता है। उसके बाद टर्नओवर को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि RMM जो हमारे पास इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये किन किन तीन स्ट्रेटजीज पर डिपेंड करती है, रिस्क को अवॉइड करना, मॉनिटर करना और मैनेजमेंट करना रिस्क की। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको या इसके अलावा आपको MCQs में भी आ सकता है ये। उसके बाद लेक्चर नंबर 19 के अंदर जो हमारे पास जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमारे पास ये रिस्क इंपॉर्टेंट है कि रिस्क के कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये आपको MCQs पेपर में आते हैं। उसके बाद चेकलिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। उसके अलावा ये जो स्टार्टिंग माना जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क और बिजनेस रिस्क कौन कौन से होते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिहाज से भी और क्वेश्चन आंसर के लिहाज से भी। तो होप सो कि आपको लेक्चर नंबर 19 और 20 दोनों समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।